आज कितने दिनों के बाद ये वाला माइक यूज करूंगा। तो मैंने ये माइक इसलिए लगाया क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मेरा सेटअप 2.0, क्योंकि आप लोगों ने ये मेरा सेटअप मैंने कैसे किया था उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है, वो मैं इधर लिंक कर दूंगा। तो वो बेसिकली एक रिव्यू भी है अमेजोन का, दो बहुत चीप मैंने RGB लाइट खरीदा था उसका रिव्यू भी था एंड हाउ आई डिड दिस सेटअप, वो वीडियो उसके ऊपर था। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हुआ है कि रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक फ़ोटो भेजा था कि उनके जो हस्बैंड है वो मेरे वीडियोज़ को ऐसे TV पे देख रहे थे, बड़े वाले TV पे देख रहे थे। एंड वो देख के ना मैं बहुत कॉन्शियस हो गया, बिकॉज एज यू नो कि मैं 50mm से शूट करता हूँ और मेरा कमरा काफ़ी छोटा है, मतलब इतना बड़ा कमरा नहीं है, तो कैमरे को मैं जितना भी दूर क्यों ना रखूँ वो जूम होके ना ऐसे यहाँ तक सिर्फ मेरा चेहरा ही आता है। सो थोड़ा ऐसे कॉन्शियस हो गया कि अगर लोग मेरे वीडियोज़ को TV पे देखेंगे, क्योंकि मोबाइल में देखने से ठीक है लेकिन TV पे देखने से बहुत बड़ा ऐसे सिर्फ मतलब ऐसे फेस ही आएगा, तो वो उतना अच्छा नहीं है। सो आई एम थिंकिंग कि एक थोड़ा पर्सपेक्टिव को चेंज किया जाए इन दिस स्मॉल रूम इटसेल्फ। तो आज मैं आप लोग को वही दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपने सेटअप को ट्रीट करता हूँ, किस तरफ मैं क्या चीज़ को रखता हूँ, ऑल दिस थिंग्स विल टॉक। सो आई विल डू एवरीथिंग कीपिंग दैट इन माइंड कि मैं मेजरली रात को ही वीडियो शूट करूंगा। सो जो बैकलाइट होगा इधर से खिड़की से आने वाला वो उतना मैटर नहीं करेगा, सो दैट वे विल डू। सो लेट्स सी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा रूम कैसा है पूरा प्रॉपरली। तो जिन लोगों ने भी मेरा पहले वाला वीडियो देखा है उनको पता है कि आई यूज़ माय डाइनिंग टेबल। ये मेरा एक्चुअली हम लोग का पहले डाइनिंग टेबल था जब हम लोग घर में काम नहीं कर रहे थे, बट व्हेन वर्क फ्रॉम होम स्टार्टेड दिस कोविड थिंग, तो ये टेबल को ही मैं अपना टेबल बना लिया था। उसके साइड में ये एक छोटा सा चेयर है, इसका एक पैर टूट गया था, बट इसको हम लोग ऐसे स्टोरेज की तरह यूज़ करते हैं कि नीचे कुछ कुछ सामान रहता है। फिर थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई थी तो ये कूलर इधर आ गया था। एंड थिंग्स कैनॉट गो मोर मिडिल क्लास देन दिस, आप इससे ज़्यादा मिडिल क्लास होकर दिखाइए। ये एक पुराना वो था, बेडशीट था, उसके अंदर कुछ कुछ सामान है वो ऐसे ढक के रखा हुआ है। एंड देन इन दिस कॉर्नर ऑल्सो बैग्स, और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊंगा, दिस इज़ द योगा मैट, मतलब घर में थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है तो मैं उतना घूमता नहीं हूँ जितना मेरे पास बैग्स है, कि ऐसे छोटे बैग्स, फिर ये मेरा पुराना कैमरे का बैग, फिर इधर भी ट्रॉली, ये दोनों ट्रॉली ही है। फिर मैं अगर आपको इधर खोल के दिखाऊंगा ना, इधर नीचे भी ये भी बैग है, फिर एक रक्सैक भी है नीचे अंदर, फिर यहाँ पे जो कैमरा बैग मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली वो अमेज़न बेसिक वाला ही है, इसमें वो अमेज़न बेसिक के लोगों के ऊपर मैंने अपना वाला ये लगा दिया है। सो दिस इज़ द फुल सेटअप। तो ये कुछ चीज़ें बाहर जाएंगी, ये चीज़ इधर आ जाएगा, ये बेड जो है ये क्वीन साइज का बेड है, इसको मैं पूरा घुमा दूंगा ऐसे, ये बेड अभी ऐसे है लेकिन इसको मैं घुमा दूंगा ऐसे तो लगभग यहाँ तक आ जाएगा। सो करते हैं, करके दिखाता हूँ। मास्क लगा लेना जरूरी है क्योंकि थोड़ा थोड़ा धूल हो जाता है एंड धूल से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि ये नीचे का जो पूरा एरिया है ये हो गया है ऐसा। अब ये मेरा रेंट का घर है, मैं अभी इसको कुछ कर भी नहीं सकता, तो इस वॉल के उस पार में वॉशरूम है और वॉशरूम रहने से ना ये हो ही जाता है, पता नहीं क्यों, इसको पता नहीं सीलन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। तो अगर मैं सोचा था कि मेरा कैमरा एंगल मैं ऐसा करूँ कि इस कोने में मेरा कैमरा एंगल रहेगा, सो नाउ आई कैनॉट मूव माई कैमरा एंगल लोअर देन दिस, मतलब यहाँ तक मुझे शूट करना पड़ेगा, उसके नीचे नहीं कर सकता। सो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी ये जितने भी सारे बैग्स हैं इनको बाहर निकालना है इस रूम से, इस रूम में मुझे अननेसेसरी कुछ भी नहीं चाहिए अभी, तो इन बैग्स को बाहर निकाल के ये अभी जगह बना लिया है। सो आई हैव टू कीप एवरीथिंग हियर, और यही मेरा पहले ऐसे एडिटिंग बे था, यही मेरा एडिटिंग का पूरा सेटअप था इधर ही। सो इट फेल्ट गुड कि इधर से लाइट आती है एंड आई डिड एडिटिंग हियर, यहाँ पे टेबल था। आप लोगों ने कुछ कुछ शायद पुराने वीडियोज देखे भी होंगे, सो उन सबको लाके इधर रखना है, देन विल प्रोसीड विद दिस रूम। हेलो बनी, और एक काम करते करते एकदम बारिश हो गई, पता नहीं कैमरे में आएगा कि नहीं, बट बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है।
मैंने ऐसे कुछ कुछ चीज़ें स्किप कर दी, वरना ये किबा की भी स्टूडियो सेटअप 2.0 ना हो कैसे रैंडम गाय क्लीनिंग इज होम हो जाता। तो बाय द वे अभी ऑलमोस्ट सब कुछ मैं इस रूम से निकाल चुका हूँ, सिर्फ नेसेसरी थिंग्स ही है। और पता है ये मैं जितनी बार भी सेटअप करता हूँ या फिर कुछ भी होना, ये पूरे सिस्टम को, ये पूरे चीज़ों को, मतलब जो ऐसे में इसमें बोलते थानथिर लगाना, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, इन सारी चीज़ों को ठीक करना एंड प्रॉपर वे में फिर से कंसिडर करना, यही मुझे बहुत ऐसे बोर लगता है, बट करना तो पड़ेगा अभी। सो अभी इस बेड को पूरा घुमाना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू प्लेस दिस टेबल समवेयर। मैंने खाली बिस्तर होगा धुल जाना अपन। तो पहले कैसा था कि इसको इस साइड में मेरा वो सेटअप था, मतलब उधर कैमरा था, इधर मैं बैठता था। अभी क्या करूंगा, मेरा कैमरा रहेगा इधर, ये फेस करेगा इस साइड, टेबल विल बी हियर, और मैं उस साइड में मतलब ये कोना दिखाऊंगा, रफली कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इधर बैठूंगा, रफली मतलब कुछ ऐसा दिखेगा। ये नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है ना, ओके फाइन। तो ये है नया सेटअप, जो मेरा बेड था यहाँ पे उसको मैंने एक सर्टेन एंगल में करके थोड़ा ये स्पेस खाली कर लिया। पहले क्या था, ये कैमरे के पीछे का जो स्पेस था वो खाली था, बट जो हॉराइजेंटल डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कमरे का, सो आई थॉट ऑफ टेकिंग दैट थिंग। तो उसी हिसाब से मैंने इस सेटअप को किया। पीछे मैंने एक चीज़ सामान भी रखा है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा वो मैंने उधर क्यों रखा है और कैसे रखा है। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हो ना, ये एक एक्चुअली वो था कैरम बोर्ड के साथ, जो स्टैंड होता है कैरम बोर्ड का वो है, और ये कोई तो वो कपड़े का पैकेट, मतलब कपड़े के साथ जो आता है, अच्छा शर्ट वर्ट खरीदोगे तो जो होता है, इसको हमने उल्टा करके इधर बिठा दिया है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यहाँ पे वो मेरा जो RGB लाइट है उसको दिया ताकि इधर से प्रोजेक्ट हो जाए, एंड दिस इज़ द सेटअप। यहाँ पे वो लाइट है, आप लोग को दिख गया होगा, वो इस एंगल से आप लोग को दिख गया होगा। सो दिस इज़ द लाइट, यहाँ पे मैंने रखा था अपना कैमरा, बट अभी वो नहीं दिख रहा है बिकॉज इट्स कवर्ड बाय मी, बट उसको थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा। एंड पीछे भी मुझे कुछ कुछ लाइट्स या फिर कुछ कुछ एलिमेंट्स इधर उधर करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं शायद और भी कुछ लाऊंगा लटकाने के लिए, या फिर मे बी मैं सोच रहा हूँ कि ये जो लाइट है ये लाइट भी मैं खरीद सकता हूँ, उसको भी मैं देख रहा हूँ, पीछे थोड़ा एक एक्सेंट इधर से आएगा, सो मे बी वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। सो देखिए, ये वीडियो का पॉइंट यही था कि सेम रूम है, कुछ भी चेंज नहीं है, मैंने बस लेंस चेंज किया। पहले मैं 50mm से करता था, अभी ये 1855, ये किट लेंस है, तो ये एक वाइड लेंस है एंड यू कैन सी मोर ऑफ द रूम नाउ। और पहले क्या होता था ना, 50mm में मैं, मुझे पता था कि एकदम बहुत टाइट एरिया में हूँ तो मैं ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकता था, सो आई हैड टू सिट लाइक दिस एंड एकदम ऐसे बात करना होता था, बट नाउ आई एम रिलैक्स, मैं ऐसे भी आप लोग से बात कर सकता हूँ ऐसे टेबल में वो करके, सो दिस इज़ ऑल फील्स गुड। अभी सिर्फ ड्रॉबैक यही है कि पहला तो डेप्थ ऑफ फील्ड चला जाता है, क्योंकि ये लेंस 50mm के लेंस की तरह उतना शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड ये नहीं दे सकता भी, क्योंकि इसका एपरेचर आई थिंक 3.5 से ही शुरू होता है, तो उतना नहीं कर सकता, वो 1.8 से शुरू होता है, तो वो एक चीज़ खराबी। या फिर मैं उसको भी ट्राई कर सकता हूँ, अगर मैं कैमरे को और पुश कर सकता हूँ पीछे तो वहाँ से भी मैं, वो बाद में एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आई एम हैप्पी विद दिस सेटअप। बस पीछे थोड़े एक्सेंट लाइट्स मुझे ऐड करने हैं एंड एवरी टाइम आई हैव टू शूट मुझे ये डेस्क, मेरा जो टेबल है उसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हो मेरे डेस्क को। सो थैंक यू गाइज, मैं इस वीडियो को ऐसे एडिट करूंगा कि ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, मैं भी 5-6 मिनट का वीडियो कर दूंगा मैं इसको काट कूट के। तो दिस इज इट, ऐसे ही दिखाने का मन किया कि सेम रूम में आप लोग क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो अपने सेम ही एरिया में, बस वही पॉइंट है इस वीडियो का। आई होप आप लोग को ये वीडियो देख के अच्छा लगा, और अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख पाए देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर ब्रेकडाउन्स, स्टोरीज, सिनेमेटिक वीडियोज एंड जस्ट रैंडम वीडियोज लाइक दिस। सो दिस वाज शमीम, यू वॉचिंग किबा किबी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।